नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला करते हुए राज्य को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया है। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं इमरान खान ने पाकिस्तान संसदीय समिति की बैठक बुला ली है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि भारत ने बहुत खतरनाक खेल खेला है, समूचे इलाके पर इसका भयानक असर हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने बहुत खतरनाक खेल खेला है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर मसले को समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने इस फैसले से समस्या को और जटिल बना दिया है। अब कश्मीरियों पर पहले से ज्यादा पहरा बिठा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र को बता दिया है, हमने इस्लामिक देशों को भी इस बारे में बता दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये एक तरफा फैसला लिया है। इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद में पाकिस्तान का एक कथित पक्षकार के तौर पर भारत के इस कदम को खत्म करने के लिए सभी संभावित उपायों को आजमाएगा। कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय विवादित क्षेत्र है। बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के फैसले से पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी हैं। पाकिस्तान की मीडिया में मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले की खबरें छाई हुई हैं। पाक के प्रमुख अखबारों में से एक डॉन ने इसे जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताते हुए लिखा है, विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच भारत ने कश्मीर के विशेष दर्जा खत्म करने के लिए पेश किया संकल्प। वहीं एक अन्य अखबार द न्यूज ने एक आर्टिकल में जगह दी है कि अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने पर विचार कर सकता है। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे में सक्रिय पक्ष रहा है और हम इस पर खामोशी नहीं बरत सकते। बता दें कि कश्मीर में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती से परेशान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर मुद्दे का राग अलापा है। बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिक आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। वहीं अमित शाह ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि धारा 370 आतंकवाद की जड़ रहा है, वहीं इसके हटने से रक्तपात ग्रुप का अंत हो जाएगा।